देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंचन टीवी, और कंचन टीवी की टीम अभी मौजूद है रोहतक पानीपत टोल प्लाजा पे। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि अशोक साहनी जी के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। वो भी आज विजय संकल्प रैली में पहुँचे हैं और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से कितनी भीड़ लेकर अशोक साहनी जी यहाँ पर पहुँचे हैं, कितना समर्थन उनको मिल रहा है अभी तक। समर्थन बहुत भारी है सर, बहुत भारी समर्थन है। हम लगभग 150 गाड़ी लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। बहुत गाड़ियाँ आगे पहुँच चुकी हैं, बहुत गाड़ियाँ बीच में से वापस मुड़ चुकी हैं, पर समर्थन के साथ साथ हम लोग अभी भी डटे हुए हैं। भीड़ आपके सामने है, बहुत भीड़ है, अभी भी सोच रहे हैं कैसे जाना है। यहाँ से कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा जी। और ये सारे लोग हमारे साथ, आप देखो देखो सर, बहुत सारे लोग हैं और ये सारे लोग अभी आगे चल रहे हैं, पैदल जाएंगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का जाम पूरा पैदल क्रॉस करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बताया कि रैली स्थल यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, यहाँ से वो पैदल जाएंगे रैली स्थल तक और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार सुनेंगे। इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर अशोक साहनी जी के कुछ और समर्थक मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा अशोक साहनी जी को अभी तक मिला हुआ है। सर, हम सुबह मतलब के नारायणगढ़ से 5 बजे निकले थे और 150 गाड़ियों का काफिला हमारा जो सब्जी मंडी में पहुंचा था, अनाज मंडी में पहुंचा था। कुछ गाड़ियां हमारी अंदर जाम में ही फंस चुकी हैं, कुछ गाड़ियां हमारी आप देख रहे हो पीछे खड़ी हैं, कुछ गाड़ियां अभी और पीछे हैं, अभी पहुंची नहीं है। समर्थक हमारे साथ चल ही रहे हैं, मतलब सुबह के हम उठे हुए हैं सबके सपोर्ट। जैसा कि मैं लगातार देखता हूं अशोक साहनी जी ग्राउंड फील्ड पे लगातार लोगों से संपर्क साधते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो कैसा लोगों को प्यार, लोगों का प्यार? बहुत ज्यादा भारी समर्थन मिल रहा है सारे, हम कम से कम नहीं ज्यादा है 100 गाँव में मतलब की हमने नुक्कड़ सभा कर चुके हैं, उसमें हमें बहुत भारी जन समर्थन मिल चुका है, बहुत ज्यादा। अशोक साहनी जी, बात करें अशोक साहनी जी, क्या आला कमान के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब अभी तक? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बनाने में बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुए हैं, हमें संकेत मिल चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे नारायणगढ़ की हलका के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने जी। मैं अभी अन्य साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मिलाना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा कि अशोक साहनी जी को किस प्रकार का समर्थन मिला हुआ है जी। क्या नाम आपका? भरत रस्तोगी जी। कहाँ से? उधर अम्बालागंज से। अम्बालागंज से किस प्रकार का समर्थन अशोक साहनी जी को अभी तक मिला? बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी पार्टी ने जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे लिए उन्होंने सब करा है, बीजेपी की जय जयकार है, और जो हमारे लिए उन्होंने स्टेडियम बनवाया हमारे लिए, प्लस बैडमिंटन कोर्ट बनवाया उन्होंने हमारे लिए, और हमारा जो भी कार्यकर्ता हैं अनिल विज जी, उन्होंने बहुत बढ़िया करा, प्लस अशोक साहनी जी हमारे जो हमारे आसपास के उसके हैं वो बहुत बढ़िया हैं। अशोक साहनी जी हमारे लिए, मनोहर जी बहुत हमारे इतने खास हैं जी, अपने परिवार के साथ मिले हुए ऐसे मिले हुए घर, लेकिन विकास ऐसा हो रहा है भाई कोट, लेकिन उसमें भी समस्या को हल नहीं हो रहा, काफ़ी मजा आ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें कहीं हो तो फिर जनता पार्टी। जिंदाबाद।
जगह बनाने में कामयाब हो पाई है, ये तो वक्त बताएगा। आप लगातार हर जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन जोगिंदर बाबा के साथ पंकज शर्मा, कंचन टीवी, सभी दो।